हिंदू धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए नेपाल, मित्र राष्ट्र भारत व विश्वभर के हजारों हिंदू धर्मावलंबी नेपाल के रास्ते चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत में रहे कैलाश पर्वत व मानसरोवर पहुंचते हैं। हमारा समूह, जिसमें बिलायत में रहने वाले भारतीय मूल के हिंदू धर्मावलंबी हैं, सुबह सूरज की पहली किरण के साथ काठमांडू से रवाना हुआ। वहां से दुलाल घाट का पुल पार करने के बाद सुनकोशी और भोटे कोसी की सुंदर प्राकृतिक छटा का रसा स्वादन करते हुए भ्रमण दल तातोपानी पहुंचता है। उसके बाद हम मैत्री पुल का दृश्यावलोकन करते हुए तिब्बत का पहला शहर जांगमू पहुंचे, जिसे नेपाली में खासा कहते हैं। यात्रा में रहे सभी तीर्थयात्री व नेपाली तिब्बत प्रवेश के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद जांगमू शहर के रौनक का आनंद लेते हुए नैलम की ओर बढ़ चलते हैं। जांगमू से नैलम जाने वाले रास्ते में पहाड़ी, जंगल और झरने की सुंदरता देखकर तीर्थयात्री व पर्यटक खो से जाते हैं। हमारे साथ रहे विलायती भारतीय मूल के तीर्थयात्री नैलम बाजार पहुंचते ही होटल में अपने सामान रखकर बाजार देखने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। चूंकि हम काठमांडू से एक ही दिन में तातोपानी जांगमू होते हुए नैलम पहुंच गए, इसीलिए वहां हमने दो रातें गुजारी। हमारे साथ गए तीर्थयात्री पर्यटक शाकाहारी भोजन का आनंद उठाते रहे। समूह में रहे नेपाली कामदार तीर्थयात्रियों का भोजन बनाने और उन्हें खिलाने में माहिर हैं। भोजन के समय इन तीर्थयात्रियों के चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई देती है, इसी से इन कामदारों की कार्यकुशलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरे दिन अधिक ऊंचाई से होने वाली परेशानी का सामना करने में अपने आप को तैयार करने के लिए सभी कुछ ऊंचाई तक जाते और मनोरम दृश्यों का अवलोकन कर 3-4 घंटे बाद लौट आते। हमारे समूह के तीर्थयात्री पहाड़ी पर चढ़ने के सिलसिले में चट्टानों पर बैठकर हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। नैलम से ऊपर की ओर पहाड़ी पर चढ़ते हुए शांति की कामना के साथ फहराए गए रंग बिरंगे ध्वज देखे जा सकते हैं, जिसे लुंगदार कहते हैं। पंक्तिबद्ध होकर पहाड़ी पर चढ़ते हुए गगनचुंबी चोटियां, चांदी सी चमकती हिमश्रृंखलाएं और नागिन सी बलखाती नदियों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए यात्री आगे बढ़ रहे हैं। ये तीर्थयात्री अपनी गुजराती संस्कृति और परंपरा के मुताबिक मनोरंजन करते हुए नाच गा रहे हैं। नाचना, गाना और खुशियां मनाना हिंदू तीर्थयात्रियों की विशेषता है। ऐसी यात्राओं में भजन कीर्तन गाकर शांति की कामना की जाती है। कैलाश के रास्ते का यह दूसरा शहर है। यहां सभी तिब्बती मूल के लोग ही रहते हैं। यह नैलम शहर समुद्र सतह से 3,700 मीटर पर अवस्थित है। नैलम से तीर्थयात्री सांगा की ओर बढ़ चले हैं, जबकि कुछ तीर्थयात्री गाड़ी से आगे निकल रहे हैं।
सांगा के रास्ते में 5050 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित यालुंगला पास से शुभ्र हिमालय और उसके नीचे मरुभूमि सी उजाड़ चोटियां दिखती हैं। यहाँ एक बड़ा सा स्वागत द्वार है जो लाल सफेद पीले ध्वज लुंगदार से सुसज्जित है। यहाँ से गौरी शंकर सिसापांग की चोटी अच्छी तरह से देखी जा सकती है। आज के गंतव्य तक पहुंचने से पहले पिखुचु झील के मनोरम दृश्य नजरों में कैद करते हुए 40 मिनट की यात्रा के बाद नमकीन झील अर्थात साल्ट लेक का अवलोकन हुआ। यह पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी है जो कैलाश पर्वत का बर्फ पिघलकर विभिन्न क्षेत्र होते हुए हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा में जाके मिलती है। यह रमणीय सांगा बाजार बिजली टेलीफोन की सुविधा से संपन्न ठहरने के लिए उत्तम जगह माना जाता है। आज हम सांगा से परेंग के लिए निकल रहे हैं। करीब 6 घंटे की जीप यात्रा के बाद हम परेंग पहुंचे। यह परेंग शहर नैलम और सांगा से कुछ अलग है जहां तिब्बती बस्ती देखी जा सकती है। परेंग से सुबह का नाश्ता कर हम आगे बढ़े और 4 घंटे की यात्रा के बाद मानसरोवर जा पहुंचे। मानसरोवर झील मानस अर्थात मस्तिष्क या चेतना। मानस नाम से भी जाने जाने वाले मानसरोवर झील को चेतना और ज्ञान के पवित्र स्थल के रूप में भी लिया जाता है। 4580 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित मानसरोवर झील का हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों में विशिष्ट धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है। मानसरोवर झील की परिक्रमा कर यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से संपूर्ण पाप धुल जाने और रोग व्याधि से मुक्ति मिलने का धार्मिक विश्वास है। साथ ही यहां स्नान करने से चीर यौवन व शक्ति प्राप्त होने की भी मान्यता है। विश्वास तो ऐसा भी है कि इस झील में स्नान करने से सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस झील के पवित्र जल के केवल स्पर्श से भी मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह झील हिंदुओं के लिए अति पवित्र स्थल है जहां जीवन में एक बार पहुंचकर दर्शन करना विभिन्न दृष्टियों से शुभ फलदायक माना जाता है। यह झील इतनी बड़ी है कि इसकी पैदल परिक्रमा करने में 3 दिनों का समय लग जाता है। इस झील में तेज हवा से उठने वाली लहरें अत्यंत लोमहर्षक होती हैं। इस झील से जुड़ी किंवदंतियों के अनुसार देवाधिदेव महादेव और पार्वती हर रात 2 से 4 बजे तक इस झील में स्नान करते हैं
और यहाँ रहने वाले सभी धर्मावलंबी शिव पार्वती का साक्षात्कार कर सकते हैं। मुख्यतः पूर्णिमा की रात को शिव पार्वती का दर्शन होने की मान्यता है। इन तीर्थयात्रियों की टोली का नेतृत्व कर रही श्रीमती हंस पटेल अन्य यात्रियों के साथ स्नान कर रही हैं और कुछ लोग स्नान कर चुके हैं। हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान को जल अर्पण कर पुष्पार्पण करने व सिक्के चढ़ाने का काम हो रहा है। यहाँ मानसरोवर के पवित्र जल से एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए मनोरंजन व पुण्य प्राप्ति में सभी जुटे हुए हैं। नेपाली टोली के नेता राजकुमार न्योपा ने भी मानसरोवर झील के ठंडे जल में नहाकर दौड़ लगा रहे हैं। आस्था का अद्भुत व मनोरम नजारा है यह। स्नान के बाद सभी तीर्थयात्रियों ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने पितरियों के नाम पर तर्पण करने के साथ ही जानकर या अनजाने में हुए पाप से मुक्ति के लिए पूजा आराधना की। यहाँ पर पूजा व होम करने का उद्देश्य रहता है अगर जीवन में कभी कोई पाप हो गया हो तो उससे मुक्ति मिले, मनोकामना पूरी हो और संतान को सुख समृद्धि मिले। इसके लिए सभी एक जगह जमा होकर प्रार्थना व आरती कर रहे हैं। पूजा के बाद सभी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इन तीर्थयात्रियों का भोजन बनाने के लिए नेपाली बावर्ची नियुक्त हैं, पर आज टोली नेता हंस पटेल और उनके साथी अपने लिए खुद ही भोजन बना रहे हैं। मानसरोवर झील के बगल में छू गुंबा की परिक्रमा के क्रम में माने घुमाते हुए तीर्थयात्री दार्चेन की ओर रवाना होते हैं। मानसरोवर झील से दार्चेन की ओर जाते हुए गुरला मांडाता और कैलाश हिमालय का दृश्य सहज ही मन मोह लेता है। हम जीप से यात्रा करते हुए राक्षस झील के बगल से गुजर रहे हैं। राक्षस झील, इस झील के काले पानी के अंदर मांसाहारी राक्षसों के छुपे होने की मान्यता के अनुसार इस झील का नाम राक्षस झील पड़ा है। अंधकार और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले इस झील से धार्मिक आस्थावान लोग दूर ही रहते हैं। माना जाता है कि इस झील का पानी विषाक्त एवं प्राणघातक था, इसलिए मानसरोवर झील के पवित्र जल से इस झील के पानी को शुद्ध करने के उद्देश्य के साथ मानसरोवर और राक्षस झील के बीच पतली सी सुरंग बनाई गई। इसी सुरंग से एक सुनहरी मछली भी राक्षस झील में भेजी गई। जब वह मछली राक्षस झील में जीवित पाई गई तो लोगों ने मान लिया कि यहाँ का जल विष मुक्त हो गया। उसके बाद लोग इस झील के पास भी आने जाने लगे, लेकिन अभी भी स्थानीय लोग एवं बाहर के तीर्थयात्री इस झील का पानी पीने से परहेज करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में रावण ने इसी झील में बैठकर कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। राक्षस झील मानसरोवर झील के पश्चिम में अवस्थित है। यह झील समुद्र सतह से 4,540 मीटर की ऊंचाई पर है। राक्षस झील के दृश्यावलोकन के बाद हम दार्चेन पहुंचे। यहां से कैलाश की परिक्रमा शुरू होती है। परिक्रमा पूरी करने में 3 दिनों का समय लगता है। आज हम इसी दार्चेन में ठहरेंगे, कल से हमारी परिक्रमा शुरू होगी। समुद्र सतह से 4,600 मीटर पर अवस्थित दार्चेन में 8-10 होटल और लॉज हैं।
दार्चिन बाजार को कैलाश पर्वत का आधार शिविर भी कहा जाता है। दार्चिन से 5 किलोमीटर जीप से यात्रा करने के बाद दारबोचे आता है और यहां से कैलाश परिक्रमा की पैदल यात्रा शुरू होती है। हिंदू धर्म में इसे यमद्वार भी कहा जाता है। अशक्त यात्री इसी जगह से कैलाश का दर्शन व यमद्वार की परिक्रमा कर लौट आते हैं। यमद्वार की परिक्रमा को भी कैलाश की परिक्रमा के बराबर ही माना जाता है। कैलाश पर्वत 6714 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित कैलाश पर्वत विश्व का ही पवित्रतम धार्मिक स्थल है। इतनी महिमाशाली होने के बावजूद भी इसका भ्रमण बहुत कम किया गया है। 4 अलग अलग धर्म के करोड़ों धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्र के रूप में रहे कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए सालाना कुछ ही हजार लोग आते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों की 4 अलग अलग धर्म के करोड़ों धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्र के रूप में रहे कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए सालाना कुछ ही हजार लोग आते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से पहले ही कैलाश पर्वत को पृथ्वी का मध्य स्थान और संसार के उत्पत्ति स्थल के रूप में पूजा जाता था। रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत की पवित्रता व महिमा का वर्णन किया गया है। परंतु ऐसे ग्रंथ लिखे जाने से बहुत पहले से ही कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व विद्यमान है। प्राचीन एशिया से संबंधित किंवदंतियां कैलाश पर्वत के बिना अधूरी रहती हैं। कैलाश पर्वत से एक पृथक युग व अलग सभ्यता की झलक मिलने की बात पर अधिकांश प्राचीन यात्री, धर्मावलंबी व लेखकों के बीच एकमत है। यहां से खाद्य वस्तु व अन्य सामग्रियां चौरी गाय पर लादकर हम 3 दिनों के लिए प्रस्थान करते हैं। कैलाश की पैदल परिक्रमा नहीं कर पाने वाले घोड़े से भी परिक्रमा करते हैं। दारबोचे से करीब 3-4 घंटे की पैदल यात्रा के बाद देराफुक पहुंचा जाता है, जहां से कैलाश पर्वत बहुत पास दिखाई देता है। यह दृश्य सीधे स्वर्ग की अनुभूति दिलाता है। यह जो दिखाई दे रहा है वह डोरमाला पास है। समुद्र सतह से 5,636 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित यह स्थान इस यात्रा की सबसे ऊंचाई पर है। यहां पहुंचने पर सरदर्द कर सकता है, उबकाई सी आ सकती है, परंतु नीचे जाने पर यह समस्या खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। डोरमाला से 10 मिनट नीचे जाने के बाद गौरी कुंड दिखाई देती है। गौरी कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहां शिव और पार्वती स्नान किया करते थे। अब हम जुथुलपुक पहुंच गए हैं। यह दूसरे दिन का विश्राम स्थल है। यहां से 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद दार्चिन के पास चोंगदो पहुंचा जा सकता है, जहां गाड़ियां रहती हैं। यह पैदल यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यहां पहुंचने के बाद 3 दिनों की पैदल यात्रा समाप्त हो जाती है। सभी तीर्थयात्रियों के यहां पहुंचने के बाद हम पुनः जीप से आज का गंतव्य स्थान मानसरोवर की ओर प्रस्थान करते हैं। साथ ही अष्टपद जाने वाले तीर्थयात्री जीप से अष्टपद जाकर कैलाश और नंदी पर्वत का दृश्यावलोकन के बाद मानसरोवर जाते हैं। दार्चिन से ही उन तीर्थयात्रियों के लिए जो नंदी कोरा करना चाहते हैं, अष्टपद होते हुए नंदी पर्वत की परिक्रमा यात्रा भी शुरू होती है। अष्टपद, अष्टपद का मतलब है 8 कदम। अष्टपद धार्मिक दृष्टि से पवित्र पर्वत के रूप में जाना जाता है। कैलाश और नंदी पर्वत के बगल में अवस्थित यह पर्वत परापूर्व काल से ही
ऋषि मुनियों व भिक्षुओं के पवित्र ध्यान केंद्र के रूप में स्थापित है। जैन धर्म के प्रख्यात मुनि ऋषभदेव ने इसी पर्वत की गुफा में ध्यान किया था। नंदी पर्वत। यह पर्वत कैलाश पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। कैलाश पर्वत से उत्पन्न होकर दार्चेन होते हुए बहने वाली नदी के किनारे किनारे चलकर भी नंदी पर्वत पहुंचा जा सकता है। नंदी परिक्रमा पूरी करने में 2 से 3 दिनों का समय लगता है। इस यात्रा का एक दूसरा महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है तीर्थपुरी। तीर्थपुरी तीर्थपुरी कैलाश पर्वत से 70 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। यह क्षेत्र तिब्बत का तीसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान माना जाता है। कैलाश कोरा अर्थात कैलाश क्षेत्र परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्री तीर्थपुरी को अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य मानते हैं। तीर्थपुरी के भ्रमण के बिना कैलाश कोरा अधूरा माना जाता है। तीर्थपुरी की परिक्रमा करने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। कैलाश पर्वत अनेक धर्मों का संगम स्थल। पश्चिम में काराकोरम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैले हिमालय खंड से उत्तर में यह पवित्र हिमालय अवस्थित है। 6714 मीटर ऊंची इस चोटी को देखने वाला हर कोई इससे जुड़ी किंवदंतियों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाता। शैव हिंदू बौद्ध जैन और बोनपो धर्म ने कैलाश को समान महत्ता दी है और अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है। किंवदंतियों के अनुसार एक बार कैलाश की परिक्रमा करने से जीवन भर का पाप धुल जाता है, जबकि 108 बार परिक्रमा करने वाला सीधा निर्वाण अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है। रामायण में वर्णन है कि कैलाश का दर्शन व मानसरोवर में स्नान करने वाला ब्रह्मलोक पहुंच सकता है और मानसरोवर झील का पानी पीने वाला शिवलोक पहचान सकता है। इस कैलाश मानसरोवर यात्रा का व्यवस्थापन काठमांडू में रहे मोंटेरोसा ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशन एजेंसी ने किया है। यह एजेंसी इस तरह की धार्मिक यात्रा व पर्वतारोहण में अभिरुचि रखने वालों की सेवा में सदैव तत्पर रहती है।